आपसे पूछ के की गई है, इन दी फॉर्म ऑफिस पीडीएफ भेजा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोगों को यही चाहूंगा कि उन सारे क्वेश्चंस को देख के आइएगा, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी जो कर भी चुके हैं, आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने किया भी है, हार्ड वर्क आप काफी कर रहे हैं, पर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो स्टडी मटेरियल आपको भेजा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप की जो है उनकी फॉर्म में, उनको जरूर देखिए, एक दो दिन लगाइए, और उसके बाद हम सिस्टमेटिक वे से वन बाय वन सारे चैप्टर्स जो है उनको कवर करेंगे, और आप कॉरेस्पॉन्डिंग स्टडी मटेरियल जो है उसको देखते जाइए और उसको समझते जाइए, और अगर आपका कोई पॉइंट है उसमें भव्या, अगर आपका कोई पॉइंट है उसमें तो वो जरूर बताइए, सो दैट दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द क्लास विद यू। सो डियर चिल्ड्रन, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटे डिस्कस करना इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को रादर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इसकी एप्लीकेशन से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटे, इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आप कंसिडर किया करते हो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद वाली टर्म हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप पी वेक्टर से बेटे डिनोट किया करते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आइदर चार्ज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू, वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेटे डायरेक्टेड रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बेटा। इस पुनीत बेटे, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो है ही है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल आप आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम बोल दो, है तो चार्ज वन लेंथ वन, ना 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 राधिका बेटे, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, गुड गुड गुड। और नहीं बच्चों मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आप लोगों को शायद कुछ इश्पुनीत मिसकंसेप्शन हो गया है, आइडियल इलेक्ट्रिक नहीं, मास नहीं इसमें उत्तर आएगा, नहीं नहीं मास नहीं आएगा बेटे इसमें, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपल आपका वो इलेक्ट्रिक डाइपल होता है जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड हम बेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है या डाइपोल का लेंथ है दैट इज मेड वेरी स्मॉल। सो जब भी आप आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करोगे बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड आपका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज वेरी लार्ज, और इसमें डाइपोल लेंथ जो है दैट बिकम्स नेग्लिजिबल, डाइपोल लेंथ बिकम्स नेग्लिजिबल।
आई जस्ट मीन टू से दैट इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट अगर आप पी कहोगे, ये आपका क्यू इंटू टू एल होता है क्यू, इट इज बेटा वेरी लार्ज और आपका जो टू एल है इट टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इट इज वेरी मच नियर टू जीरो, बड़ा छोटा फैक्टर है ये, उससे क्या होगा आपका जो प्रोडक्ट है क्यू और टू एल का वो उतना ही रह जाएगा, चार्ज और लेंथ इनमें वो कॉम्पनसेट होकर एडजस्टमेंट होकर आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। और इसके बाद बेटे हम बात किया करते हैं जनरली एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन की, एनी जनरल पॉइंट की। अभी पुत्र एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी जनरल पॉइंट, बोली इनमें से कौन सा मैं कर दूं कि सारे ही कर दूं, सबको आते हैं सारे ही, एक प्लीज 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 ऐसे नहीं, राधिका सारे करवाऊं, एनी पॉइंट पे निकाल दूं फिर इनको वो पता नहीं चलना कि एक तो, चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं फिर जनरल वाला मैं डिटेल में करवा देता हूं। सो हां जी बेटे बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, दैट समथिंग वेरी नाइस, बट बेटे थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा देखना होगा, हमें डिस्कस करना होगा। एक्सियल लाइन का कंसेप्ट है डियर चिल्ड्रन, इस सबसे पहले तो बच्चों एक्सियल लाइन होती क्या है, आपके ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं बेटा, ये फर्स्ट चार्ज है, ये बच्चों आपका सेकंड चार्ज है, इसको हमने माइनस क्यू और इसको डियर चिल्ड्रन प्लस क्यू बोल दिया। सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास यहाँ पे ओ पॉइंट पे बेटे है, आप डाइपोल लेंथ को जनरली 2L, 2R, 2X समथिंग लाइक द मल्टीपल ऑफ 2 ले लिया करते हो, और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है डियर चिल्ड्रन इट इज एट पॉइंट P, और ऑब्जर्वेशन आपका जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस आपने सेंटर से R अज्यूम किया है, ये डिस्टेंस L है, दिस इज आल्सो L। अब आप इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वी प्लेस वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर एट दिस पॉइंट बेटा, एंड थैंक यू। सो बेटा पी पॉइंट पे आपने बेटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, इश्कुनीत बेटा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, ई एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, हां जी बेटे प्लस वन है ये, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R minus L का square and it is directed along beta PX, PX की तरफ ये directed होगा, भूमिका पुत्र negative charge की वजह से electric field, बोलिए पुत्र उठ जाइए, भूमिका sorry भव्या, 1 by 4 pi epsilon naught Q upon प्लस एल, बहुत बढ़िया, और डायरेक्शन इट विल बी अलोंग पी वाई, तो राधिका इन दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, दिस इज मोर बिकॉज ऑफ दिस लेस डिनोमिनेटर, और आपका जो नेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई वन माइनस ई टू बिकॉज अपोजिटली डायरेक्टेड है दोनों फील्ड्स, so it will be q upon 4 pi epsilon naught आपने कॉमन निकाल लिया, 1 by r minus l का स्क्वायर, 1 by r plus l का कंप्लीट स्क्वायर किया, और इसको सिंपली एक दो स्टेप्स आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो it will be q upon epsilon naught r स्क्वायर minus l स्क्वायर होल स्क्वायर r plus l का स्क्वायर,
something like this beta, or it will be q upon 4 pi epsilon naught. It is r square plus l square plus 2rl minus r square minus l square plus 2rl divided by r square minus l square complete square बेटे. जो टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो रही हैं, इनको आप कैंसल आउट कर दीजिए. रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपके पास बच गई हैं बेटा 2 इंटू क्यू एंड 2rl डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एल स्केयर का होल स्केयर. आप क्यू 2 इंटू 2 4 ही होगा बेटा. यस, तो ये 2l आप यहां से उठा लीजिए और q आपका यहां पे पड़ा है. ये आपको 2l, आप 2l एंड q आपको बेटे p दे देगा. 2pr अपॉन आपके पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर. शॉर्ट डाइपोल के लिए आप l को नहीं नहीं l आपका जो है जब आपका डाइपोल बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा 2l इट विल बी वेरी स्मॉल. आप l को निगलेक्ट कर सकते हो, जीरो लिख सकते हो और आपके पास 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r का क्यूब ये ऐसे रह जाएगा. तो नेट वैल्यू आपने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की निकाल दी. राधिका इज ओके नाउ बेटा. देन बेटे इक्वेटोरियल वाला आप मेरे साथ साथ सारे बच्चे कर लेंगे. कॉपी पेन प्लीज आप अपना निकाल लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा. इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन बिटे, इक्वेटोरियल लाइन. आप अगेन बेटे थोड़ा साथ साथ आप लिख के कर लीजिएगा. एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है और एक आपके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज पड़ा है. दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ पॉइंट पे है. डाइपोल लेंथ आपका 2l है और आपने यहां पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इमेजिन कर रखा है. पी पॉइंट पे आपने 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया. राधिका ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव राधिका ये रिपेल करेगा इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप इसको E1 कह दीजिए. इट इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन. ये पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन. वी कॉल दिस एज E2. ये एंगल हमारा थीटा, ये भी थीटा होगा. मिडल में से आप लाइन अज्यूम कर रहे हो तो एंगल्स बराबर होंगे दोनों और आप इनको दोनों E1 और E2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लीजिएगा. इसका कंपोनेंट ये एंगल भी थीटा होगा. ये एक लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इट विल बी ई वन कॉस थीटा. ये लाइन इन दोनों को कट कर रही है. अल्टरनेटिंग एंगल्स एंड इट इज ई टू कॉस ऑफ एंगल थीटा. नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको इन कंपोनेंट्स की भी जरूरत रहेगी. इट विल बी ई वन साइन थीटा, इट विल बी ई टू साइन थीटा. ई वन पुत्र किसके बराबर है, ई वन किसके बराबर है देख के बताइए मुझे. ई वन की वैल्यू लिखवा दीजिए मुझे. यस बेटा, इसको आप आर कह सकते हो.
ये आपका एल है। हाँ जी एक मिनट पुत्र, एक मिनट, ई वन ओनली, वो ई वन ई टू cos थीटा नहीं कह रहा मैं, सिंपली ई वन। बोलो पुत्र, स्टैंड अप। हाँ हाँ पी नहीं आएगा। हाँ हाँ बीच में थोड़ा थोड़ा भूलते हैं। दिस डायरेक्टली, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, राइट। इट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन ये आर स्केयर प्लस एल स्केयर का स्केयर रूट आएगा पुत्र, आर स्केयर प्लस एल स्केयर का स्केयर रूट, इसका सारे का स्केयर आ गया। अरे आ गया ना, ये इसके साथ कट कर गया। E1, इट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन इष्टपुनीत कहां गया। E2 बोलिए इष्टपुनीत, E2 किसके बराबर है, E2। हाँ 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 मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, मैं E2 पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, देखो बेटे कोई बेटे, बोल दीजिए बोल दीजिए, वेरी नाइस, राइट बोल रहे हो आप। नहीं नहीं देखो, अगर हम कहें कि हमें रास्ता याद नहीं मंजिल याद है तो फिर बात नहीं बनती। बैठो, सो बैठिए प्लीज सिट। यस ई टू, उठ जाइए पहले, माइनस कहां से आ गया, माइनस कहां से आया भाई, नहीं होगा ये बात बिल्कुल गलत है। बैठिए तरन, ई टू, तरनदीप, तरनप्रीत, तनवीर, ई टू उसको कह रहा हूं बेटे मैं, उठ जाइए। E2 की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। ये कहां से आई बेटा, डियर चिल्ड्रन, इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। अरे सेम ही है, आप क्या करी जा रहे हो, 1/4πε0 Q upon R square plus L square, ये distance same ही तो है, magnitude wise it will be same। अभी net value of electric field intensity बोलिए, कौन कौन से factors कट रहे हैं, कौन कौन से factor add up हो रहे हैं, क्यों add हो रहे हैं, बोलो बेटे थोड़ा जान से बोलो, कौन opposite हैं, नहीं सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्पोक्स पर्सन ऑफ द क्लास, ये इक्वल और अपोजिट हैं बच्चों, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये सेम डायरेक्शन में हैं, दीज विल गेट एडेड अप और इट विल बी 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा। भूमिका भव्या सॉरी, उठ जाइए लिखवाइए जरा, इट इज इक्वल टू व्हाट, E1 is 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्केयर प्लस एल स्केयर cos थीटा को क्या लिखूं गुड़िया, उठ जाइए भव्या उठ जाओ बेटे, ऐसे नहीं उठ जाइए। डायग्राम इष्टपुनीत प्लीज, cos
कॉस थीटा डायग्राम देख के बताइए, एल अपॉन, यस 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 वेरी नाइस, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल अंडर द रूट दिस डिवाइडेड बाय दिस साइड, ठीक है जी। और इधर भाई, इधर इधर इधर, इट विल बी 1/4 pi epsilon naught q into 2l, इनको इकट्ठा कर लिया टर्म्स को, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, एक पावर ये, आधी पावर ये पावर 1.5 या डेढ़ या रूट 3/2 के बराबर आ गई, राइट। व्हाट हैपेंस फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लीज स्टैंड अप, देन व्हाट विल हैपन, यस हाँ जी बेटा, आपका एल इग्नोरेबल है शॉर्ट डाइपोल के लिए, इसको छोड़ दीजिए, ये स्केयर से स्केयर कट गया, क्यूब रह गया, बहुत बढ़िया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर आपका क्यूब आ गया, ये आपका डबल है, सॉरी हाफ है, एज पर द केस ऑफ योर एक्सियल लाइन इज कंसर्न। इश पुनीत विल स्टैंड अप, डायरेक्शन इसकी बोलिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है आपको, डिस्कस करते हैं हम रेगुलरली। हम भी ये सामने सॉल्व कर रहे हैं, ई नेट की डायरेक्शन किधर होगी, वो कह रहा राइट, वो कह रहा लेफ्ट, वो कह रहा ऊपर, वो कह रहा नीचे, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर नॉट हेयर राइट, इस तरफ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इधर है, इट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक, आपने राइट हैंड बोला अभी अभी, आपको लगना नहीं चाहिए ऐसे, सारी चीज सामने है तो लगा क्यों आपको भाई ऐसे, नो बैठिए बैठिए, ध्यान रखिए, वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स बट दीज नीड टू बी डिस्कस्ड, राइट बेटा। डायरेक्शन के बारे में पूछा जाएगा आपको तो यू विल ऑलवेज राइट दैट इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट इधर है, ये इधर हो जाएगा, ठीक है जी। अब एनी पॉइंट वाला छोड़ दूं, कर लोगे, चलिए हाँ जी, चलो बेटे बच्चों को अब जो चीज पूछनी थी वो तो बतानी पड़नी है ना, कोई बात नहीं बेटे, आप एक बार करके देखिएगा, हो जाएगा, अगर आपको लगेगी दिक्कत तो मुझे बताइएगा, आई विल बी रीसॉल्विंग दैट। सो आइए आगे चलें, इसके बाद हमारे पास बेटे कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा आपके पास किसी रीजन ऑफ द स्पेस में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मैनेज कर रखा है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस आपको इंडिकेट कर देती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। और बच्चों आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में राधिका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैं, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, दैट इज क्यू इंटू ई के बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज इस पे भी फोर्स क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज, इधर इधर इधर,
ये आपका कुछ इस तरीके का सेटअप है, इस एंगल को आपने थीटा बोल दिया एंड इट इज 2L लेंथ, ए बी और सी आपने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अभी पुत्र नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है, नेट फोर्स, एंड इफ वी इंटेंड टू कैलकुलेट द टॉर्क व्हाट वी शुड डू बेटा, वेरी राइट, थम्स अप फॉर यू। आपका नो डाउट ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन बेटा ये आपका यहाँ पे कपल बन जाएगा, उसकी वजह से आपका जो टॉर्क एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा। तो आइदर फोर्स आपका जो है Q into E है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका AC किसके बराबर है बेटे, आप पुत्र AC किसके बराबर है, AC लगाइए प्लीज, लगाइए बताइए, एक मिनट वेट करिएगा, AC तो निकालो आप बताओ मुझे, हम तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे भूल जाना तो नहीं बेटे, फ्रीक्वेंटली भूल जाना अच्छा नहीं है। एसी 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 किसके बराबर, बहुत बढ़िया, लेकिन वो यहां लगा नहीं सकते, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, इट इज 2L साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, सो दिस विल बी 2L साइन, इसको बेटे यूज करना है, पाइथागोरस नहीं लगाना यहाँ पे, समझ आ गई बात, सो दिस इज 2L साइन ऑफ एंगल थीटा Q एंड 2L, इनको टर्म्स को एडजस्ट किया, ESH है साइन ऑफ एंगल थीटा किसके बराबर है बेटा, ये P टॉर्क आ जाएगा, PE साइन थीटा अदिति अंकिता सॉरी, वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, ये वेक्टर फॉर्म में किसके बराबर बनेगा गुड़िया, अगर मैंने टाओ वेक्टर लिखना हो तो पुत्र क्या लिखूं मैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, वेरी राइट, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्यों, बिकॉज हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अगर दो इंडिविजुअल वेक्टर्स ए एंड बी होंगे तो। इशपुनीत विल स्टैंड अप, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क क्या होगा, कौन निकालेगा, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप उल्टा मेरे को ही पूछी जा रहे हो, एक मिनट बेटा, इश्वरी सोच के बताइए टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा और ये क्या इफेक्ट आपके सिस्टम में लेके आएगा। हां जी पुत्र, टुवर्ड्स द राइट या लेफ्ट या आउट या इन या अप या डाउन या इधर या उधर, रूल अप्लाइड कौन सा है, रूल आप हाथ से ऐसे कुछ कर रहे हैं वो समझाइए क्या कर रहे हैं, ऐसे आ गया राइट हैंडेड स्क्रू रूल, नाम बताना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, राधिका गुड थम्स अप फॉर यू, राइट हैंडेड स्क्रू भूमिका इधर, हाँ वही राइट, हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज करेंगे, हमारी फिंगर्स पी से ई की तरफ ये राइट हैंड की कर्ल करिए, जिस तरफ आपका थंब होगा वो आपको टॉर्क दे देगा, तो P आपका
इधर है तो ये यस बेटा, फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका यहां से आपको साबित हो जाता है कि टॉर्क की डायरेक्शन पी के और ई के दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और अगर पी के और ई के दोनों के परपेंडिकुलर है तो पी से ई की तरफ आप अपना जो फिंगर्स हैं बेटा, अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई ऐसा और पेन है तो दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये आपका पी, फिंगर्स आपकी पी से ई की तरफ है, टॉर्क आपके डाइपोल को अंदर की तरफ टिल्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे रोटेट कर देगा, राइट बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये लो बेटा, थैंक यू। अगर बात करें एनर्जी की, इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड की वजह से आपके डाइपोल में कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, उसके लिए चलिए कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ा पढ़ के आइएगा, थैंक यू ऑल बेटा।